guys, welcome back to my channel. अगर आप इस फेज को पहली बार देख रहे हैं, then hi, I'm Tanu. This is my channel, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूँ my take on dressing classic and chic in a budget, along with skin care and lifestyle videos. So you please take a moment and subscribe to my channel. That would genuinely mean the world to me. आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग फेस्टिव सीजन, क्योंकि करवा चौथ बस आ ही गया है, दिवाली जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड वेडिंग सीजन के बाद स्टार्ट हो जाएगा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ आई प्रिपेयर एंड गेट रेडी फॉर द फेस्टिविटीज, देन कीप ऑन वॉचिंग. सो इन दिस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना आई टेक यू थ्रू विद माई जर्नी ऑन हाउ आई गेट रेडी फॉर दिस फेस्टिविटीज. सो इन दिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी थ्री मेन थिंग. वन इज हाउ आई प्रिपेयर माई स्किन. सिंस आप जानते हैं आई रिलाय हेविली ऑन स्किन केयर, सो आई फॉलो वेरी सिंपल रूटीन्स जो मैं स्टार्ट कर देती हूँ 2 to 3 days prior to the main event. So that really helps, you know, garnering good results. Second, I'll share with you what all makeup I do and how I do it. And third, the outfit. So without wasting any more time, let's move on to the video. So first thing I follow for my skincare preparation is scrubbing, जो मैं इंश्योर करती हूँ 1 in 10 days या 7 days में जरूर कर लूँ, बिकॉज इट सूट्स माई स्किन वेरी वेल. सो फॉर स्क्रबिंग आई यूज द उपटन स्क्रब फ्रॉम वाव एंड दिस इज द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्क्रब इज कि आप इसे फेस पे तो लगा ही सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ बॉडी स्क्रब एज वेल एंड इट गार्नर्स वेरी गुड रिजल्ट. एक्चुअली इसके रिजल्ट बहुत ही सिमिलर होते हैं टू द बॉडी पॉलिशिंग. नाउ इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है. आफ्टर यू डैम्प योर स्किन, आपको बस थोड़ा सा स्क्रब लेना है एंड देन यू हैव टू मसाज इट ऑन योर स्किन ऑन सर्कुलर मोशंस फॉर 2 to 3 minutes. आई प्रेफर टू यूज इट ड्यूरिंग माई शावर रूटीन, क्योंकि बॉडी स्क्रब करना बहुत आसान हो जाता है ना. आई प्रेफर टू यूज द वाव बॉडी स्क्रब फॉर वेरियस रीजन. मानिस की एक तो ये मेड इन इंडिया ब्रांड है, सेकंड इसके अंदर कोई हार्श केमिकल्स नहीं है, प्लस इट्स सल्फेट एंड पैराबेन फ्री. स्पेसिफिकली इस उपटन फेस स्क्रब के अंदर गुडनेस ऑफ चिकपीस फ्लावर है, तो चिकपीस फ्लावर इंश्योर करता है कि हमारी डेड स्किन अच्छे से रिमूव हो जाए, हमारी स्किन एक्सफोलिएट हो जाए. प्लस अगर फाइन हेयर होते हैं ऑन द बॉडी और ऑन द फेस तो वो भी रिमूव हो जाते हैं थैंक्स टू द चिकपीस फ्लावर. और अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर गुडनेस ऑफ टर्मरिक एंड सैफ्रन है, जो इंश्योर करता है कि अगर हमारी बॉडी पे कहीं पे भी टैन है सो इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ दैट. अलॉन्ग विद दैट इट हैज रोज वाटर जो कि नेचुरल टोनर बन जाता है. फेस स्क्रब यूज करने के इमीडिएटली बाद आपको ये तो फील हो ही जाएगा कि स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है. प्लस मुझे गूजबम्स लाइक थिंग्स आ जाते हैं स्पेशली ऑन माई लेग्स एंड ऑल्सो ऑन माई आर्म्स एज वेल, वो भी रिमूव हो जाते हैं. स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही सफल हो जाती है. एब्सोल्युटली लव इट. नाउ आफ्टर स्क्रबिंग मैं पैक जरूर लगाती हूँ. दिस इज द उपटन पैक दैट आई हैव बीन यूजिंग एंड अगेन जस्ट लाइक सिमिलर टू द स्क्रब आप इसे फेस एंड बॉडी बोथ टाइम पे लगा सकते हैं. एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्क्रब एंड द पैक इंश्योर्स कि बिल्कुल बॉडी पॉलिशिंग जैसी फिनिश आए. एब्सोल्युटली लव हाउ इट मेक्स माई स्किन फील एंड मेक्स माई स्किन लुक. नाउ इस उपटन पैक के अंदर गुडनेस ऑफ उपटन तो है ही, जो ट्रेडिशनली बहुत ही फेमस है फॉर स्किन केयर रूटीन. प्लस आफ्टर यूजिंग दिस पैक आई ऑल्सो रियलाइज कि जो पोर्स होते हैं वो भी काफी रिड्यूस हो जाते हैं इन द साइज एंड इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी ग्लोइंग इफेक्ट ऑन द स्किन. सो आई एब्सोल्युटली लव इट. नाउ इन केस आप ये उपटन फेस स्क्रब या फेस पैक पिकअप करना चाहते हैं फॉर योर सेल्फ फ्रॉम वाव, देन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वाव ऐप का लिंक मेंशन कर दूंगी. सिंस आई प्रेफर टू पिकअप द वाव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वाव ऐप, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है, स्पेशल ऑफर्स मिल जाते हैं, प्लस द ऑथेंटिसिटी इज ऑल्सो गारंटीड. नाउ अनदर बेस्ट पार्ट अबाउट द वाव प्रोडक्ट्स इज कि हर एक वाव प्रोडक्ट के पीछे ये क्यूआर कोड भी होता है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं टू चेक इट्स ऑथेंटिसिटी. और जब भी आप ये क्यूआर कोड स्कैन करते हैं आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो आप रिडीम कर सकते हैं योर नेक्स्ट परचेज, सो यू सेव इवन मोर मनी. नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी, सो लेट्स स्टार्ट ऑन विद द मेकअप. फॉर द मेकअप फर्स्टली आई विल अप्लाई द कंसीलर एंड आई प्रेफर टू ब्लेंड इट आउट विद माई फिंगर्स, क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं. After that, I just seal it up with the compact powder. Now it's time for the eyeshadow. So I'm going to be using a shadow which is a very nice pale brown color. And after that, around the corners of my eyes, I'm going to apply an eyeshadow जो बहुत ही अच्छा nice light champagne color है. So it just awakens my eye instantly. And after this, I'm going to apply the eyeliner. And then I'm going to apply the mascara. Now it's time to use the contour जो मैं use करूँगी on the hollows of my cheek. I'm going to try to make a 3 on my face. Apart from that, I'm going
also want to put contour on my nose as well on both the sides. Time to put on the blush. जो मैं apply करूँगी this beautiful gorgeous pink color blush on the apples of my cheeks. I'm going to fill up my eyebrows. After the highlighter, the only thing left is to put on a lipstick and this is the one that I'm using. Now it's a combination. इसमें ये coral pink color है and on top of that मैंने इसके ऊपर lip gloss use किया है which is an out and out pink color. Now just to seal the deal, I'm going to apply this small bindi on the forehead क्योंकि since करवा चौथ है तो बिंदी तो लगाना बनता ही है. Now it's time to choose the outfit and this is the gorgeous outfit that I'm wearing. I absolutely love the color क्योंकि बहुत ही अच्छा nice wine color है जिसके अंदर specks of purple भी है. So it looks very royal purple. So I think this stands out because of the beautiful color. So I went in for a velvet material because I think velvet material एक तो stand out करता है because it looks so royal, it looks so rich and so high end. Plus it's very comfortable to wear in this nippy weather. So I really love the overall look and I absolutely love how it turned out. So yeah, this was how I get ready for the festivities at Karwa Chauth. I hope you like this video. If you liked it, then please hit the like button and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon right next to it so that you will be notified every time I upload a video. See you next time. Bye-bye.